तो दोस्तों मेरा नाम है तोफिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल तोफिक चैनल। चलो दोस्तों आज हम बात करेंगे गार्ड क्रेडिट लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल के अंदर सही से कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, गार्ड क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इस एप्लीकेशन के अंदर से कैसे यहाँ पर लोन निकाल सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों सिंपल एंड फास्ट सबमिट यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों। बिल्कुल ईजिली यहाँ पर आप लोन को अप्लाई कर सकते हो। लार्ज एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ईजिली यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के अंदर से लोन निकाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन रियल लाइफ है कि दोस्तों के सचमुच में आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन ले सकते हो ये भी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको गार्ड क्रेडिट एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों परमिशन मांग लेता है, एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हो मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर आपको कितना रहता है, 70,000 यहाँ पर आपका रहता है मैक्सिमम लोन अमाउंट। उसके बाद टोटल अमाउंट भी देख सकते हो और स्पेंड यहाँ पर आप देख सकते हो 19% यहाँ पर आपको सक्सेस रेट रहता है दोस्तों। फास्ट रिव्यू है और यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है, रीपे का भी ऑप्शन आ जाता है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने का बोल देता है, तो यहाँ पर आपको आपका वैलिड मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके ऊपर एक ओटीपी आता है, वो आपको अगले स्टेप पर डाल देना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अब दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको बोरो नाउ का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको फिर से इस पर क्लिक कर लेना है। जितनी बार भी एप्लीकेशन परमिशन मांगता है उतने बार यहाँ पर आपको परमिशन देते चलनी है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना, एप्लीकेशन यहाँ पर आपका थोड़ा सा वेट लेता है। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखा देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप जो रहता है दोस्तों वो आपका 11,000 रुपये का रहता है। 70,000 का आपका लोन रहता है, उसमें पहला स्टेप 11,000 का रहता है। पहला स्टेप जैसे आप पार कर लोगे आपका 11,000 का यहाँ पर लोन आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है ये ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन आपको कुछ चूज करने का बोल देता है, जैसे सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर आपको स्टूडेंट यहाँ पर आपको रहता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप इसे चूज कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन रहता है, यानी कि आप कितनी तक पढ़े हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जो ऑप्शन रहता है वो सैलरी का ऑप्शन रहता है, आपकी अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो या फिर कहीं पर काम करते हो तो उसमें आपकी सैलरी कितनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप एम रेजिडेंट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो, किस जगह पर रहते थे। यहाँ पर आपको वन हाउस रहता है, रेंटेंस रहता है यहाँ पर आपको, भी या फिर ऑदर यहाँ पर आपको चूज कर लेना। उसके बाद आप जैसी इतनी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका अगला स्टेप यहाँ पर खुल जाएगा। अगला स्टेप कौन सा रहेगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन का रहता है दोस्तों। उसके अंदर एप्लीकेशन आपसे बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर पूछता है, जैसे कि आपका फुल नेम रहता है, आपका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, आपका सरनेम वगैरह जो रहता है वो पूछता है। उसके बाद एड्रेस वगैरह पूछता है, ये आपकी बेसिक चीज़ें में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा स्टेप जो रहता है वो आपका जो रहता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का रहता है दोस्तों, यानी कि एप्लीकेशन आपसे आईडी कार्ड वगैरह मांगता है। आईडी कार्ड में क्या मांगता है, पैन कार्ड जो रहता है वो मांगता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मांगता है आधार कार्ड के फोटो और पैन कार्ड के फोटो, ये आपके तीसरे स्टेप के अंदर आ जाते हैं। चौथे स्टेप के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन आपसे मांगता है आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो भी बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट नंबर मांगेगा, आपके बैंक के अंदर क्या नेम है वो मांगेगा, आपका ब्रांच का नेम मांगेगा, आपका ब्रांच एरिया, जितनी भी बैंक से रिलेटेड आपकी चीज़ें आती वो सभी चीज़ें मांगता है। इतनी चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों गार्ड क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज़ करके यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती है सभी स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आपको एप्लीकेशन रियल लाइफ है प्ले स्टोर में आ जाना है, प्ले स्टोर के अंदर रेटिंग एंड रिव्यू सेक्शन में आपको आ जाना है। एप्लीकेशन को रेटिंग भी दे सकते हो और रिव्यू चेक करके यहाँ पर आप पता लगा सकते हो एप्लीकेशन रियल लाइफ है। बाकी पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर से लोन निकालना है तो आप अपने रिस्क के ऊपर निकाल सकते हो, मेरी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।